गाइस वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? सो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा हॉल शेयर करने वाली हूँ और इसमें मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही प्यारी सिल्क की साड़ी। साड़ी ही एक से ज्यादा एक खूबसूरत है और रेंज जैसा इनका लुक है उसके अकॉर्डिंग रेंज बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। सभी की रेंज मैंने डिस्प्ले कर दी है स्क्रीन पर, सो देट आपको पता चल जाएगी किसका प्राइस कितना है। प्लस गाइस फैब्रिक बहुत अच्छा है, किसी तरह की कोई भी कमी नहीं है। सो शुरुआत करती हूँ अपनी पहली साड़ी से, और साड़ी दिखाने से पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगी कि इन सभी को मैंने बाय किया है सिया फैशन से, और उसके मैं पहले भी 2 से 3 रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ जो आप लोगों को काफी प्यारे लगे। सो उसके लिए बहुत बहुत सारा थैंक यू। एंड गाइस जो कुर्ता सेट मैंने वियर किया है इसका हॉल वीडियो भी कर चुकी हूँ मैं ऑलरेडी शेयर, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो वहां से कर सकते हैं इसको इजीली परचेज। अब मैं दिखाना चाहूंगी अपनी पहली साड़ी, ये है मेरी फर्स्ट साड़ी और कलर इसका बहुत ही ज्यादा फाइन वाला येलो है, एकदम ब्राइट येलो और रेड के कॉम्बिनेशन में बहुत ही ज्यादा फैबुलस लग रही है। प्लस ये कॉम्बिनेशन जो है मुझे साड़ी में बहुत ज्यादा पसंद है और येलो कलर की तो मेरे पास बहुत ही सारी साड़ी है, प्लस मुझे ये भी बहुत ही अच्छी लगी। ये देखिए इसका लुक, शुरुआत मैं करूंगी इसके पल्लू से, एकदम हैवी बिल्कुल बनारसी लुक वाला पल्लू है जो कि रेड कॉम्बिनेशन में, और ये रेड रेड जो है ना थोड़ा थोड़ा इसके अंदर गोल्डन टच है तो उसकी वजह से एक ऑरेंजिश लुक आ रहा है जो बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। ये देखिए इसका पल्लू पास से, फैब्रिक बहुत ज्यादा फाइन है प्लस क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, और बैक से आप देखेंगे कि बिल्कुल भी थ्रेड वगैरह बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये है इसका कंप्लीट लुक, ये बॉटम का बॉर्डर है इसका और ये है इसके टॉप का बॉर्डर। टॉप का बॉर्डर थोड़ा सा नैरो है एंड बॉटम बॉर्डर है इसका थोड़ा सा ब्रॉड, पर गाइस पहनने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बॉर्डर ब्रॉड है तो इजीली पहना नहीं जाएगा, इसकी प्लेट्स इतनी जल्दी बन गई और पहनने के बाद लुक भी बहुत प्यारा दे रही है जैसा कि आप साइड में देख ही रहेंगे। अब मैं इसका दिखाती हूँ आपको पूरा लुक, ये देखिए बीच में बूटियां हैं और क्योंकि बूटियां जो है इसकी पास पास हैं तो उसकी वजह से साड़ी का लुक बहुत ही ज्यादा हैवी आ रहा है। अगर आपकी नई नई शादी हुई है या आपकी शादी होने वाली है तो ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेंज में एकदम परफेक्ट चॉइस होगी, या वैसे भी अपनी चाहे तो आप इसको अपनी मदर को, अपनी सिस्टर को, भाभी को, किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं, अपने लिए भी परचेज कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा फैबुलस साड़ी है, फैब्रिक है इसका सॉफ्ट सिल्क एंड विद अ हैवी पल्लू, और ये फर्स्ट पोर्शन है ड्रेप के लिए और ये है इसके ब्लाउज के लिए, 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज है, ब्लाउज में है ये बॉर्डर जिसको अपनी स्लीव्स पर यूज कर सकते हैं। साड़ी थी ब्रांड राजयोग से एंड ये जो मैं अब साड़ी दिखाने वाली हूँ ये है ब्रांड मंजुबा से। एंड गाइज कलर इसका बहुत ही प्यारा सी ग्रीन और पिंक कलर के कॉम्बिनेशन में है, अगेन फैब्रिक है इसका सॉफ्ट सिल्क विद अ हैवी एंड रिच पल्लू, और ये है इसका कंप्लीट लुक। ये है इसका ब्लाउज पोर्शन, देन ड्रेप के लिए बहुत ही थोड़ा सा पोर्शन इसका प्लेन है और यहां पर दिया गया है बॉर्डर स्लीव्स के लिए। उसके बाद पूरी साड़ी का लुक बहुत ही प्यारा है, पूरी साड़ी में बूटियां हैं प्लस ये टॉप बॉर्डर है और ये है इसका बॉटम बॉर्डर। फैब्रिक क्वालिटी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, पहनने में बहुत ही ज्यादा आसान है, और ये देखिए एक बार इसका बॉर्डर पास है सो दैट आपको इसकी क्लैरिटी का पता चल जाए। प्लस बैक से भी बहुत ज्यादा फाइन है, बिल्कुल भी धागे वगैरह निकले हुए नहीं है तो बहुत ही कन्वीनियंट है पहनने में। ये है इसका कंप्लीट लुक, ट्राई ऑन में देख लीजिएगा कि कितनी अच्छी साड़ी लग रही है, कितना प्यारा लुक दे रही है। जस्ट रेंडमली मैंने इसको ऐसे ही पहना है विदाउट मैचिंग ब्लाउज, जब आप इसे मैचिंग ब्लाउज के साथ पहनेंगे तो इसका ग्रेस आने वाला है और भी ज्यादा, और ये लगेगी बहुत ही ज्यादा प्यारी। प्लस ये देखिए इसका पल्लू, एकदम हैवी पल्लू है, बहुत ही रॉयल शाइनिंग है साड़ी में और बहुत ही प्यारी लग रही है। आप इसे किसी भी फंक्शन में, शादी में, किसी भी टाइप के फंक्शन में इजिली वियर कर सकते हैं, कलेक्शन बहुत अफोर्डेबल है प्लस बहुत ही ज्यादा प्यारा है। एंड गाइस वन मोर थिंग के सिया फैशन की रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट पॉलिसी बहुत ही अच्छी है, प्लस इंडिया में फ्री शिपिंग है, और अगर आप इंटरनेशनली कोई भी प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं तो शिपिंग चार्जेस पे कीजिए और आपको आपका प्रोडक्ट टाइमली डिलीवर किया जाएगा।
सो गाइज, ये तो थी पहली दो साड़ी। थर्ड साड़ी अगेन फ्रॉम द सेम ब्रांड राजयोग, और साड़ी का ना जैसे बहुत ही लाइट वेटेड साड़ी है, प्लस फैब्रिक इतना ज्यादा सॉफ्ट है कि टच करने में एकदम मक्खन मलाई वाली फीलिंग आ रही है, बहुत ही ज्यादा प्यारा है। कलर है इसका ऑरेंज, जो मस्टर्ड ऑरेंज कलर होता है वो है इसका कलर। साड़ी का पूरा लुक मैं आपको दिखाती हूँ, और सबसे पहले जो मैं दिखाना चाहूंगी वो है इसका ये कंट्रास्ट में ब्लाउज। सो जब ये ब्लाउज स्टिच हो जाएगा मैरून के साथ, सेम ये आप देखेंगे मल्टी कलर में, ऑरेंज ब्लू और ग्रीन कलर का बॉर्डर है, तो ब्लाउज का लुक बहुत ही ज्यादा प्यारा आने वाला है। कंट्रास्ट में है ब्लाउज, ये है पूरी साड़ी, पूरी ही साड़ी पर इस तरह का बॉर्डर है टॉप पर भी और बॉटम में भी। ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई साड़ी, तो इस तरह की मैंने एक और ऑर्डर की है जिसका रिव्यू मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये देखिए इसका पूरा लुक, पूरी साड़ी प्लेन है विद हैवी बॉर्डर, सॉफ्ट सिल्क है, एंड गाइस इसका जो ब्लाउज पीस है वो 80 सेंटीमीटर का है। ये देखिए इसका पूरा लुक। ओवरऑल आज का कलेक्शन मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। और पल्लू है इसका एकदम मल्टी कलर हैवी लुक में, जिस कलर का इसका ब्लाउज है सेम वही कलर का पल्लू है, तो कंट्रास्ट मैचिंग होकर पहनने के बाद बहुत ही ज्यादा फैबुलस लगने वाली है। प्लस पहनकर इतनी ज्यादा सॉफ्ट लग रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ हैवी नहीं पहना, कुछ बल्की नहीं पहना, और लुक आ रहा है इसका बहुत ही ज्यादा प्यारा। सो ये थी मेरी थर्ड साड़ी। लास्ट साड़ी जो है अगेन वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कलर कॉम्बिनेशन, रेड एंड ब्लैक। और काफी सारे कमेंट भी आते हैं कि ब्लैक कलर की साड़ी का रिव्यू शेयर करूं, और मुझे ये अच्छा लगा रेड एंड ब्लैक। और इसका जो बिल्कुल लुक है ना वो एकदम बनारसी साड़ी का लुक है। सो आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगी। ये देखिए शुरुआत अगेन इसके ब्लाउज पोर्शन से करती हूँ। 80 सेंटीमीटर का इसका ब्लाउज है, कंट्रास्ट में है इसका ब्लाउज, और ये है बॉर्डर के बॉर्डर सॉरी ये है ब्लाउज के लिए बॉर्डर। पास से आप देखेंगे कि काफी फाइन इसकी क्वालिटी है। ये थोड़ा सा पोर्शन है ड्रेप के लिए, और उसके बाद शुरू होता है साड़ी का डिजाइन। ये है टॉप बॉर्डर जो कि है थोड़ा सा नैरो, और पूरी ही साड़ी में एकदम पास पास जाल टाइप्स बना हुआ है और बहुत ही फाइन है। प्लस गाइस सभी साड़ी में एक प्लस पॉइंट जो है वो ये है कि ये बैक से भी बहुत ज्यादा स्मूथ है, बिल्कुल धागे वागे नहीं निकले हुए हैं। ये है इसका बॉटम का बॉर्डर जो थोड़ा सा ब्रॉड है लेकिन बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। पूरी ही साड़ी का लुक बहुत ज्यादा हैवी है, और सभी साड़ी में आपको मोस्ट प्रोबेबली कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हैं, जब आप साइट पर जाएंगे चेक करेंगे तो सभी के कलर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ये है इस साड़ी का पूरा लुक, और पहनने के बाद भी मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारी लगी। एंड गाइस जो ब्लाउज ज्वेलरी मैंने वियर किया है सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ये देखिए इसका पूरा लुक, एंड बाकी आपको पहनने के बाद साइड में दिख रही होगी और क्लियर हो रहा होगा इसका पूरा लुक कैसा है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है साड़ी से रिगार्डिंग तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, मैं आपकी क्वेरीज को जरूर सॉल्व करूंगी। और ये है इसका एकदम रॉयल लुक में पल्लू, गोल्डन और मैरून कलर का कॉम्बिनेशन, बहुत ही ज्यादा जानदार लगता है मुझे तो, बहुत ही प्यारा लग रहा है, एकदम हैवी हैवी सा लुक है। ये देखिए सो ये है मेरा आज का कंप्लीट कलेक्शन। फैब्रिक सभी का है सॉफ्ट सिल्क, सभी का ब्लाउज है 80 सेंटीमीटर, और क्वालिटी है सबकी एकदम A1। सो सारी ही साड़ी मेरी तरफ से है हाईली रिकमेंडेड। आई होप गाइस वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।